फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एलबी एकेडमी। टुडे वी हैव अ बुक सीट्स ऑफ जनरल नॉलेज बुक नंबर 2। आज हमारे पास लेसन स्टार्ट होने वाला है लेसन नंबर 13, नो देयर प्रोफेशंस, यानी हमको उन लोगों के प्रोफेशंस बताना है। स्टेट द प्रोफेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अ पर्सन हु पेंट और ड्रॉ इज एन, यानी अ पर्सन जो पेंट करता है और ड्रॉ करता है उसे कहते हैं आर्टिस्ट। क्या कहते हैं? आर्टिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड द स्काई इज एन, जो वो पर्सन जो स्टडी करता है स्टार एंड स्काई, उसको कहते हैं एस्ट्रोनोमर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमर। अ पर्सन हु गोज टू स्पेस इज एन, ऐसे पर्सन जो स्पेस में जाते हैं, हाँ, चांद में जाना, उसको कहते हैं एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट। अ पर्सन हु फ्लाइज अ प्लेन इज ऐसा पर्सन जो प्लेन उड़ाते हैं उसे कहते हैं पायलट। अ पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन इज यानी ऐसा पर्सन जो माउंटेन क्लाइम करते हैं उसे कहते हैं माउंटेनियर। अ पर्सन हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यानी ऐसा पर्सन जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। अ पर्सन हु एक्ट इन फिल्म्स इज एन, यानी ऐसे पर्सन जो फिल्म या एक्टिंग में काम करते हैं उसे कहते हैं एक्टर। अ पर्सन हु डिलीवर्स जजमेंट्स इन द कोर्ट इज, यानी जो डिलीवर करते हैं जजमेंट बताते हैं वो है जज कहा जाता है उन्हें। अ पर्सन हु कुक्स इन अ रेस्टोरेंट, यानी जो पर्सन जो रेस्टोरेंट में कुक करते हैं उसे कहा जाता है शेफ। अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार, यानी ऐसे पर्सन जो ड्राइव कार चलाते हैं उसे कहते हैं ड्राइवर। अ बिजनेस मैन इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर, यहाँ डिड यू नो में क्या है हमें, यानी बिजनेस मैन को एक और वर्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योर। नाउ डू यू नो डैश एन इंग्लिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम, यानी एक ऐसे इंग्लिश पोएट और ड्रामेटिस्ट, यानी ज़्यादातर ड्रामा वगैरह करने वाले और जो कि बहुत बड़े राइटर है ऑल टाइम में, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है? विलियम शेक्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 31, डेट्स ऑफ हिस्ट्रिक इम्पोर्टेंस, यानी कौन कौन सी डेट पे इम्पोर्टेंट डेट पे क्या क्या आंसर। द स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, यानी हमें बताना है कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जैसे कि आप सबको मालूम होगा इंडिया में। नाउ नेक्स्ट है 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मार्थियस डे। मार्थियस डे मनाया जाता है। नाउ 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 19 फरवरी को? शिवाजी जयंती। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उस दिन जन्मदिन होता है, तो उस दिन अंबेडकर जयंती। 1 मई, 1 मई को क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र डे, यानी महाराष्ट्र दिन, लेबर डे स्पेशली उसे भी कहा जाता है, लेबर डे भी कहा जाता है। 15 अगस्त को, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इंडिपेंडेंस डे, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे। क्यों मनाया जाता है टीचर्स डे 5 सितंबर को? हाँ, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बर्थडे एनिवर्सरी रहती है, जिसकी वजह से टीचर्स डे मनाया जाता है, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। नाउ 2 अक्टूबर को, जैसे कि आपको मालूम होगा, गांधी जयंती है, हमारे गांधी जी की बर्थडे।
14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू जिन्हें चिल्ड्रन से, बच्चों से बहुत प्यार था, उनका जन्मदिन है जिसे चिल्ड्रंस डे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है, डिड यू नो एवरी ईयर द सेकेंड संडे इज द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मे यानी हर साल के सेकेंड संडे में, मंथ मे के महीने में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ डैश कैलेंडर इज इन यूज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कौन सा, ग्रिगोरियन उसे कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही कैलेंडर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेमस फेसेस, लेसन नंबर 32 का है। द पिक्चर ऑफ सम फेमस पीपल आर गिविंग मैच देम विद देयर कंट्री, यानी कुछ फेमस फेसेस दिए गए हैं, उनको हमारे उनकी कंट्री के थ्रू हमें मैच करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट है इनका है ई, यूके में, यूके। नाउ नेक्स्ट है, सेकंड है हमारे नरेंद्र मोदी, इंडिया। थर्ड का डी आएगा, जैकी चेन का आएगा सी, चाइना। एंड देन बराक ओबामा का आएगा फिफ्थ का बी, यूएसए। बिल गेट्स इज द मोस्ट फेमस नेम इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स जो है, जो मोस्ट फेमस, सबसे फेमस नाम है वर्ल्ड का और कंप्यूटर्स एंड इज वन ऑफ द, और जो सबसे रिचेस्ट मैन है वो, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इस वक्त ओनर भी है। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कौन रही है वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इंदिरा गांधी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एलबी एकेडमी।